हरिद्वार में डेंगू और स्क्रब टाइफस बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन बढ़ते आंकड़ों से जनता परेशान है और डॉक्टरों की भी समस्या बढ़ चुकी है। इस बार स्क्रब टाइफस बुखार से पीड़ित मरीज बढ़ने से हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हैरत में हैं। डेंगू और स्क्रब टाइफस बुखार से मरीजों के बढ़ते आंकड़ों की ये रिपोर्ट देखिए। बरसात का मौसम आते ही लोगों पर बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। डेंगू बुखार जैसी खतरनाक बीमारी के साथ नई बीमारी स्क्रब टाइफस बुखार ने स्थानीय लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। वहीं दोनों तरह की बीमारियों के कई मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल में अब तक डेंगू के 5 और स्क्रब टाइफस बुखार के 14 मरीजों के आने की पुष्टि हुई है। अस्पताल प्रशासन बुखार के इन मामलों में पुख्ता इंतजाम और अच्छी व्यवस्थाओं की बात कर रहा है। अस्पताल के CMS डॉक्टर राजकुमार का कहना है कि अस्पताल में डेंगू और स्क्रब टाइफस के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और ब्लड यूनिट उपलब्ध हैं। और स्क्रब टाइफस से पीड़ित मरीजों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे अभी तक जो हमारे फिजिशियन द्वारा देखे गए हैं पेशेंट, उसमें से 5 डेंगू के केस देखे गए हैं, जिसमें 4 यहाँ पे अभी तक भी भर्ती हैं। एक को एक कुछ दिन पहले भर्ती था, उसे ट्रीट करके हमने डिस्चार्ज कर दिया। इसके फर्स्ट टाइफस के यहाँ पे हमारे पीडियाट्रिशियन ने 14 पेशेंट देखे हैं, जिसमें 7 तो अभी भी भर्ती हैं और 7 को ट्रीट करके उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। इससे पर्याप्त मात्रा में हमने इनकी दवाइयाँ मंगवा ली हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन मास लेवल पे शुरू किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन बड़े बड़े दावे तो कर रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या लोगों की परेशानी का समाधान हो पाएगा या फिर नहीं। खबरें अभी तक के लिए हरिद्वार से रिजवान अहमद की रिपोर्ट।